मन करता है क्योंकि मैं एक आज़ाद देश में रहती हूँ, आज़ाद ख्यालात वाली लड़की हूँ, और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उन्होंने रिप जीन्स पहनी या फटी हुई जीन्स पहनी तो उनके संस्कार नहीं है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपके संस्कार हैं कि आप जो लड़की आपके साथ बैठी थी आप उसके शरीर को देख रहे थे, आप उसके उसके कपड़े की तरफ देख रहे थे, आप उसके जो आप बोल रहे थे कि उसका घुटना बाहर निकला हुआ था आप उसके घुटने की तरफ देख रहे थे, तो संस्कार तो आपको अपने ठीक करने हैं। आप ये कहते हैं बीजेपी के कितने नेता हैं जो रेप के ऊपर इस तरह के बयानबाजी करते हैं कि लड़कियों को वैल्यूज होनी चाहिए तो रेप अपने आप बंद हो जाएंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ जो एक एक साल की दो दो साल की बच्चियों के हमारे देश में रेप होते हैं उन लोगों ने क्या पहना होता है? आप अपनी मानसिकता और आप अपने आप को बदलिए, उसके बाद देश बदलेगा। मुझे लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं, हम आगे तो क्या जाएंगे, हमें शायद इस देश को कन्वर्ट करा जा रहा है एक ऐसे देश में जहां पर आज़ादी से एक औरत अपने कपड़े चुन भी नहीं सकती। विश्वगुरु बन तो रहे हैं मैडम, विश्वगुरु बन रहा है, किस तरह से बन रहा है विश्वगुरु? इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, हमारे देश में किसान मर रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, हर रोज एक नई खबर आती है एक भयावह रेप होता है, और आप कह रहे हैं देश विश्वगुरु बन रहा है। लेकिन एक बात समझिए, फटी हुई जींस से संस्कारों पे क्या फर्क पड़ा, क्या असर? यही बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो संस्कार की बात कर रहे हैं, हमारे देश में जब हम मंदिर जाते हैं मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो नीचे सिर्फ लुंगी पहनकर पूजा करते हैं ना, ऊपर उनका पूरा बदन नंगा होता है, क्या कभी इसके ऊपर सवाल उठाए किसी ने? या जो औरतें मंदिर जाती हैं वो सिर्फ पूजा की तरफ ध्यान लगाती हैं, वो ये नहीं देखती कि पंडित ने क्या पहना है क्या नहीं पहना। तो आप कौन होते हो एक इंसान जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है उसके ऊपर टिप्पणी करने वाले, उसको उसके लिए गलत स्टेटमेंट देने वाले? लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें जींस से कोई दिक्कत नहीं है और फटी हुई जींस से दिक्कत, वो होते कौन है? ये देश आजाद देश है, अभी तक आपने उसको डिक्टेटरशिप का दर्जा नहीं दिया है। अगर ये देश डेमोक्रेटिक है हमारा पूरा का पूरा अधिकार है हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। आप जो जिस तरह की आप टिप्पणियां देते हैं कभी रेप के ऊपर, कभी आप टिप्पणी देते हैं जब दीपिका पादुकोण जेएनयू जाती है तो बीजेपी के जो नेता है वो क्या बोलते हैं कि जो लड़कियां डांस करती हैं और जो लड़कियां बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस हैं उनको देश के मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए, क्या मतलब होता है इस बात का? आप खुद क्या हो, आप तो बैठ के पार्लियामेंट में कौन देखते हो? लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ऐसे बयानों से महिलाओं के यौन शोषण पे बहुत बड़ा अंदर फर्क पड़ता है, इन चीजों से बढ़ावा मिलता है। मैं बिल्कुल वही आपको बात बोल रही हूँ, ये वही लोग हैं जो जब जो या तो जो लड़कियों के रेप में शामिल होते हैं या फिर जब लड़कियों के रेप हो जाते हैं तो वो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं ना कि विक्टिम को, ये वही लोग हैं। और ऐसे लोगों को हमने गद्दी पर बिठाया हुआ है देश चलाने के लिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। और ये कहाँ है स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी मीका अपने पॉलिटिकल करियर से पहले वो कितने सारे म्यूजिक वीडियोज में होती थी, मीका के पीछे नाच रही होती थी, वहां पर उनके क्या कपड़े होते थे? और आज जब लड़कियों के ऊपर इस तरह का बयान दिया गया तो कहाँ पर चुपके बैठ गई है वो? उनकी भी लड़कियां हैं क्या? अपनी लड़कियों को घर में साड़ी पहना के बैठाती हैं, क्या पहनती हैं उनकी लड़कियां? तो क्या ऐसे कपड़े पहनने से वाकई में भारतीय जो संस्कृति है उस पर ठेस पहुंचती है? भारतीय संस्कृति पर तब ठेस पहुंचती है जब छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, भारतीय संस्कृति पर तब ठेस पहुंचती है जब यहाँ का पुरुष जो समाज है वो अपनी मर्जी से जो मर्जी पहन के सड़कों पर घूमता है, बनियान पहन के, लुंगी पहनकर, अंडरवेयर पहन के, छोटी छोटी शॉर्ट्स पहनकर वो घूमता है तो सब चलता है। लेकिन अगर एक लड़की रिप जीन्स पहनती है या क्रॉप टॉप पहनती है तो आप उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करने लग जाते हैं। मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं आज से दो साल पहले हम लोग खुद इस्कॉन टेम्पल गए थे, हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड्स थे, हमारी फैमिलीज थी जिसमें लड़के थे जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी उनको वहाँ पर एंटर करने दिया गया, लेकिन जो लड़कियाँ थी उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी उनको एंटर नहीं करने दिया गया। ये चीज़ हमारे साथ घटित हुई है। क्या भगवान कृष्ण ने इनको उनको क्या ऑर्डर्स दिए थे कि लड़के अगर शॉर्ट्स पहन के आएंगे तो आप उनको एंटर करने देना, लेकिन लड़कियाँ अगर शॉर्ट्स पहन कर आएंगी तो आप उनको एंटर नहीं करने देंगे? किस तरह की सोच है ये और कहाँ रह रहे हैं हम? आपने इंडिया को इतना ज़्यादा दकियानूसी बना दिया है, इतनी हर तरह से, चाहे मैं बात कहूँ यहाँ पर बात होती है हर बात में धर्म आ जाता है, हर बात में संस्कृति की बात आ जाती है। संस्कृति कहाँ, आपकी संस्कृति क्या है?
आपकी संस्कृति जो आप कांग्रेस की लीडर की माँ को बार डांसर बोलते हैं तब आपको संस्कृति समझ में नहीं आती है? आप उन्हें जर्सी काओ बोलते हो तब आपको संस्कृति समझ नहीं आती है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे बयानों को रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ये कोई पहला कोई चित्रावसी नहीं है। देखिए सबसे पहले हर किसी के घर में बच्चियां हैं, लोगों को समझना होगा कि ये जो बीजेपी पार्टी है ये इस देश के लिए नहीं बनी। अगर बीजेपी पार्टी को आप इसी तरह से वोट देते रहेंगे, वो इसी तरह के लोगों को पार्लियामेंट में बिठाते रहेंगे, हमारे पार्लियामेंट में और आने वाले टाइम में आसाराम बापू जैसे लोग, राम रहीम जैसे लोग ही मिलेंगे आपको, क्योंकि अब जो सोच है वो यही होती जा रही है। बात बात में जब कोई लड़की या स्टूडेंट जो है वो अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसको स्लट शाम किया जाता है, उसको स्लट बुलाया जाता है, उसको क्या नहीं कहा जाता। जब कोई स्टूडेंट ऐसा करते हैं तो आप उसको स्लट शैम करते हैं। जब उनके सपोर्ट में कोई बाहर की कंट्री की रिहाना जैसी जो पॉप सिंगर्स है वो आती है तो आप उनको स्लट बुलाते हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरह की गंदी मानसिकता है आपकी? आप जैसे लोग ही हैं जो आगे जाके रेपिस्ट बनते हैं, या आपके बच्चे रेपिस्ट बनते होंगे। इनका देश भर में सोशल मीडिया पे विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। वो क्यों माफी मांगेंगे? बीजेपी का मोदी जी का हाथ है ना उनके सर पर, तो वो क्यों माफी मांगेंगे? आज तक क्या बीजेपी ने जितने भी गलत बयान दिए हैं उन्होंने कभी माफी मांगी है? आपके लिए किसान आतंकवादी है, लड़कियां जितनी भी हैं वो जो लड़कियां अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हैं वो स्लट हैं। आपके हिसाब से जो मुसलमान है वो आतंकवादी है, सरदार है जो वो खालिस्तानी है। आपने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से हर तरह से हर किसी को नाम दे दिया जो आपको सपोर्ट नहीं करता। जो आपको सपोर्ट करते हैं, कंगना रनौत जी तो आपको सपोर्ट करती हैं, फिर चाहे वो कुछ भी पहने, फिर चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करता। कहाँ जाते हैं बीजेपी के नेता कंगना रनौत को देखकर वो टिप्पणी क्यों नहीं करते? मैं उनको भी कभी, और कंगना ने भी इस बयान का विरोध किया है। देखिए कंगना जी को तो मैं ये कहूँगी, वो पता नहीं शायद गांजा फूक के वो बोलती हैं, माल फूक के वो बोलती हैं, वो जब भी आती हैं वो क्या बात, उनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोलती हैं। शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो उनको बीजेपी से टिकट चाहिए या राज्यसभा, और जो उनको मिल भी जाएगी तो उन्हें ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग आगे आगे क्या करेंगे बच्चे? अरे मोबाइल बंद कर दीजिए आप। अब उसकी जीत अमिता जी, यार मैडम हटिए, आप भी आगे हट जाइए ना, आप पीछे हट जाइए, आप बढ़िए आगे आ जाइए ना, पीछे फोटो खिंचवाइए, आगे मत आओ मैडम, थोड़े पीछे खत्म हो गया मैडम, थोड़ा पीछे हो जाइए आप, पीछे जरा हो जाइए, एक मिनट रुक जाओ, नहीं मैं नहीं हट रही अब, तब आगे जाइए, इधर खसा रहा है, इधर खसा रहा है, टीम क्योंकि बड़ी कोई आगे नहीं है। सर हम लोग थोड़ा कैमरामैन सर शूट ही नहीं कर पाएंगे सब आसपास आ गए हो, आगे क्यों गए तुम सर, पूरा पीछे हो गए, थोड़ा पूरी रोड है आपके पास, थोड़ा सा
आप गैप दीजिए खुला रहेंगे आपके पास पूरी रोड है पीछे हो जाओ आराम से मैडम अरे आगे नारेबाजी कर दो नारेबाजी कहाँ जा रहे हैं बैठ आगे मत आ जाओ ना ओके मैडम मैडम हो गया भैया हो गया हो गया हो गया सबका क्या हो गया अभी